वैसे ये मेरे को अपने अनिमेश बाबू मोशाई पे फुल ऑन इंटरेस्ट है ही हमारे दोस्त है ना ये फोन लाइन पे आ गए हैं भाई 91.9 फ्रेंड्स एफएम फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स की पे मैं हूं स्मृति ऑफ कोर्स बोलते हुए चीयर्स कोलकाता टाइम हो रहा है 6:32 70 सेकंड्स बात करेंगे अनिमेश से ओवर टू यू माय फ्रेंड थैंक यू सो मच स्मृति आप हो जाओ सैटरडे इवनिंग इस वक्त बिल्कुल रिपोर्ट कर रहा हूँ जी सभाघर से जहाँ पे बता दूँ आज दूसरा दिन है सभाघर थिएटर फेस्टिवल का जी अब बहुत ही अच्छी है थिएटर फेस्टिवल कल से शुरू हुई है बहुत ही अच्छा रिस्पांस नजर आ रहा है और आज ये परफॉर्म करने वाले नन अदर देन बहुत ही टैलेंटेड स्टैंड अप कॉमेडियन नितिन मिरानी उनके साथ हमारी बातें होने वाली जिनको हम मिस्टर कॉमिक सूत्र के नाम से भी जानते हैं नितिन फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू यूर 91.9 कोलकाता थैंक यू सो मच भीषण भालू क्या बात है सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा लेकिन आप मेरे फेवरेट बन चुके हो इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं लोगों को बहुत पसंद आ रही है आपके स्टैंड अप कॉमेडी सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आज जीडी बिला सभागर में आप परफॉर्म करने वाले फुल हाउस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ कहना चाहेंगे पहले तो बताइए मैं आपका फेवरेट बन चुका हूँ तो आपका फेवरेट जोक कौन सा है आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर फॉर द सभागर फेस्टिवल एंड आई थिंक कोलकाता पहली बार आ रहा हूँ फेस्टिवल के लिए मैं बहुत बार आ चुका हूँ यहाँ पे I've been performing in Kolkata as well and I love Kolkata, it's amazing. I did my ritual, aaj land hote hi main gaya Arsalan, biryani khake, pet bhar ke. तो अब मैं शो के लिए रेडी हूँ एंड आज बस खजाना है लोगों को टॉप फोर कॉमेडी एंड स्टैंड अप कॉमेडियन में से एक है तो इतना प्रेशर कैसे ले लो सर यार एक्चुअली पता है क्या वो कॉम्पिटिशन था और मैं वहाँ पे फोर्थ आया बिकॉज मैं सिंधी हूँ मैं वहाँ लेट पहुंचा तो मैं पहला आया था बट द प्रेशर इज ऑलवेज ऑन बट आई डोंट थिंक इट्स प्रेशर आई थिंक इट्स जस्ट व्हेन यू नो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जब ये सब चीजें आपको चांस मिलता है परफॉर्म करने का जीतने का तो आई थिंक इट्स जस्ट द बिगिनिंग सस्टेन इट ओके कोलकाता के लोगों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर अपने अंदाज में अरे कोलकाता के लोग तो बहुत बहुत अच्छे हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बेस्ट जोक्स दैट आई क्रैक इन कोलकाता इज द फैक्ट दैट यू नो कोलकाता में एक वर्ड है या एक आवाज है जो हर जगह फिट हो जाती है मतलब मैंने देखा था एयरपोर्ट पे कोई यू नो वाइफ अपने हस्बैंड से बात की जा रही है और 15-20 मिनट तक बात की जा रही है बहुत हेक्टिक बात चल रही है बट व्हेन शी फिनिशेस टॉकिंग द हस्बैंड जस्ट लुक्स एट हर एंड गोस है है आप कहीं बोल है आप कहीं भी चुपका देते हो ठीक है चलो फ्यूचर प्लान सर फ्यूचर प्लान ये है कि यार वर्ल्ड डोमिनेशन कॉमेडी के हिसाब से वर्ल्ड डोमिनेशन करना है इंडिया का नाम रोशन करना है दुबई का नाम रोशन करना है एंड आई जस्ट वॉन्ट टू बी द रीजन फॉर अ स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ बिलियन जो सुन रहे हूँ सभी के लिए कोई मैसेज होगा आप आए कि नहीं आप वहाँ सुनना बंद कीजिए और दिखना शुरू कर दीजिए क्या बात थैंक यू सो मच नितिन पहले तक मैं समझ देने के लिए बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके थैंक यू सो मच थैंक यू सर थैंक यू आर द बेस्ट आपको कि एक बात तो है जितने भी लोग कोलकाता के बाहर से आते हैं ना आप पता नहीं कोलकाता को कोलकाता क्यों बोलते हैं मैं तो थोड़ा ध्यान देना कॉल मतलब डायल करो नंबर कोलकाता कोई भी वरुण धवन से भी जब बात होती है वो भी कोलकाता कहते हैं अच्छा है यार कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना पगला कमला प्लीज कोलकाता को कोलकाता बुलाए सिटी ऑफ जॉय से भाई बड़ा प्यार है कुछ भी बोलो नहीं Cheers to you on a Saturday evening. Enjoy, have fun. Right here on Cheers, Kolkata.